हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है मैंगो पुडिंग बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैंगो पुडिंग। मैंगो पुडिंग बनाने के लिए हमने एक बाउल मैंगो लिया है और ये हमने चेरी ली है और ये हमने फ्रूट चेरी ली है, ये हमने हरी और लाल चेरी ली है, एक मुट्ठी हमने बादाम लिए हैं, एक छोटी कटोरी चीनी, 2 से 3 चम्मच हमने बूरा ली है और ये अमूल क्रीम ली है हमने, ये विटानिया केक लिया है और ये एक टाइगर बिस्किट लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक सॉस पैन लिया है और ये हमने गैस को ऑन कर दिया। सबसे पहले मैं इसमें 1 चम्मच घी डालूंगी। अब मैं इसमें ये बादाम डाल दूंगी और बादाम को मैं रोस्ट कर लूंगी। जब तक हमारे बादाम रोस्ट होते हैं तब तक मैं ये बिस्किट मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लूंगी। ये हमने मिक्सी में बिस्किट को पीस लिया है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। ये मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। इसी मिक्सी के जार में मैं ये मैंगो को पीस लूंगी। मैं 2-4 मैंगो के पीस इसमें से निकाल लेती हूँ। पहले ये मैंने इतने पीसेस अलग से निकाल लिए हैं, मिक्सी के जार में पीस लूंगी। और ये हमारा मैंगो पीसकर तैयार हो चुका है, एक बाउल में निकाल लूंगी। और इधर हमारे ये बादाम भी रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं ये चीनी डाल दूंगी और इसे मैं अच्छे से मिक्स करके इसकी कैमल बना लूंगी। मैं पानी नहीं डालूंगी बिल्कुल भी। ये हमारी चीनी पिघलने लगी है। अब मैं इसमें चुटकी भर इलायची पाउडर डाल दूंगी और इसे मैं हिलाती रहूंगी अच्छे से, जब तक ये चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। ये हमारी चीनी की चाशनी बन चुकी है और मैं गैस को बंद कर दूंगी। ये मैंने एक प्लेट ली है और इस पे मैं 1-2 बूंद घी की डाल दूंगी और इसे मैं अच्छे से प्लेट पे लगा लूंगी और इसे मैं ठंडा होने दूंगी। जब तक ये हमारी ठंडी होती है तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। अब मैंने ये अमूल क्रीम ली है। अब मैं इसमें से अमूल क्रीम थोड़ी सी बचा लूंगी डब्बे में। इसमें से मैंने थोड़ी सी इतनी सी अमूल क्रीम बचा दी है और ये मैंने ली है। अब मैं बाकी इसको फेंट लूंगी अच्छे से। ये हमने अच्छी तरह से मैं इसे बीट करूंगी, थोड़ा सा और बीट करूंगी क्योंकि ये बीट होने लगी है। ये हमारी क्रीम बीट हो चुकी है। अब मैं इसमें ये 2 चम्मच बूरा डाल दूंगी और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। ये हमारी क्रीम और बूरा अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसे एक साइड में रख दूंगी। ये हमारा कैरमलस तैयार हो चुका है, देखो कितना क्रंची है। और इसके मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लूंगी। अब मैं इसे, ये मैंने एक पॉलिथीन लिया है और इसके अंदर ये सारे डाल दूंगी, यहाँ से जिपलॉक बंद कर दूंगी और इसे इस प्रकार से रोक लूंगी इसको मैं। ये हमारा सारा कुकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे इस बाउल में निकाल लूंगी।
ये मैंने एक बड़ा बाउल लिया है और ये मैं केक को एक प्लेट में निकाल लूंगी। ये पीसेस ये अलग अलग कर लूंगी। ये मुझे चाकू से काटने पड़ेंगे पीसेस इसके, क्योंकि ये एक साथ चिपके हुए हैं, इन्हें हमें काट के इस प्रकार से अलग करना है। ये हमारे केक कट के तैयार हो चुके हैं, इन्हें मैं एक साइड में करूंगी। अब सबसे पहले मैंने ये बाउल लिया है और ये हमारे पास बिस्किट है जो मैंने ग्राइंड किए हुए थे। अब मैं इसमें बाउल में फैलाऊंगी। अब जो ये मैंने बादाम और चीनी के क्रम्स बनाए हुए हैं ये भी लूंगी। और साथ में मैंने जो ये चेरी ली है इसको भी मैं थोड़ी थोड़ी बीच में डाल दूंगी। इसमें ये मैंगो जो मैंने ग्राइंड किया हुआ है इसको मैं फैलाऊंगी। और अब मैं ये क्रीम लूंगी और इसे भी मैं फैला दूंगी सारे में अच्छे से। अब मैं इसके ऊपर जो ये ब्रिटानिया केक है ये रखूंगी। और ये मैंने केक सारे में फैला दिया है। अब फिर से मैं ये जो हमने ये ले रखा है बिस्किट का ग्राइंड किया हुआ इसको मैं सारे पे डाल दूंगी। ये मैंने इसमें सारा ही डाल दिया है। एक लेयर फिर से इस प्रकार से लगाऊंगी। और थोड़ा सा मैं ये बादाम और चीनी का क्रंच डालूंगी। अब जो ये मेरे पास मैंगो है इसे भी मैं इसमें लगा दूंगी। अब मैं ये क्रीम डालूंगी इसके ऊपर से फिर से और इसे मैं अच्छे से फैला के डाल दूंगी। अब मैं फिर से एक लेयर इसकी लगा दूंगी। ये हमारी पूड़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। मैंने मैंगो के पीसेस लिए हैं, मैं ये इस पे सजा दूंगी। चेरी लगाना स्टार्ट कर दिया है इस पे। अब मैं ये फ्रूट चेरी डालूंगी इस पे। ये हमारी पुडिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इस पुडिंग को 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूंगी और उसके बाद फिर मैं फ्रिज से निकाल के सर्व करूंगी।
ये हमारी पुडिंग को 1 से 1.5 घंटे हमने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था और ये ठंडी हो गई है। अब मैं एक प्लेट में सर्व करूंगी पुडिंग को। प्लेट में निकाल लूंगी। ये हमारी पुडिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।